IBN 7 हौसला है। व्यक्तित्व का स्मरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, अतः महामना जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हेतु सादर अनुरोध है परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। An inseparable part of the Banaras Hindu University tradition is the Kulgeet, composed by Professor Shanti Swarup Bhatnagar and rendered for the first time in 1923. The Kulgeet will be rendered today by Dr. Sangeeta Pandit and her team from the Faculty of Performing Arts. राजधानी राजधानी।
समारोह में माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं तथा स्वागत भाषण भी तो उनसे विनम्र आग्रह है। मंच पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, मंचस्थ मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय महेश शर्मा जी, मंचासीन मिनिस्टर इन वेटिंग अहमद हसन जी, मंचस्थ सभी महानुभावों के साथ साथ आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी देवियों और सज्जनों को इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन स्तंभ जिसका प्रतीक प्रतिबिंब हमें बनारस विश्व विद्यालय में मिलता है, आज उसमें समन्वय होगा आधुनिक शिक्षा का। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस सभागार में आगमन संकेत है कि लोकतंत्र में ताकत कितनी है कि एक सामान्य परिवार में, गांव में जन्मा एक व्यक्ति जनता के आशीर्वाद से जब लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करता है तो इस ध्येय के साथ प्रवेश करता है कि उनके अपने जीवन में जो जो चुनौतियां रही वो चुनौती किसी भी नागरिक के जीवन में ना आए। महामना का ये मानना था कि हमारे संसार में, समाज में सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा में प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में कई नए सुधार रूपी कार्यक्रम किए गए हैं। आज उनका अंश इस कार्यक्रम में आप सबको दिखाई देगा, प्राप्त होगा। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री होने के नाते गर्व का अनुभव करती हूं कि प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार भारत में पहली बार एक ऐसा क्रेडिट नेटवर्क हमारे छात्रों को उपलब्ध कराया गया है ताकि वो छात्र जो हाथ से काम करना चाहते हैं उनके हाथों को विद्या का भी आशीर्वाद मिले। कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक उनकी शिक्षा सुरक्षित हो, उन्हें शिक्षा के साधन और आयाम प्राप्त हो, ऐसे एक नए मानक का, एक नए कार्यक्रम का, एक नई सोच का सृजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों हो चुका है। पहली बार हिंदुस्तान में कक्षा 12वीं के बाद 4 साल में बीएड करके हमारे देश को अच्छे टीचर्स प्राप्त हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य भारत में हो चुका है। मैं आज अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर महामना के चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मात्र यही कहना चाहती हूं कि अटल जी कहा करते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। आए एक नए संकल्प, एक नई उमंग, एक नई उम्मीद और नई सोच के साथ प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनके नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हम सब करें, ऐसी शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। कल ही भारत सरकार द्वारा महामना जी को भारत रत्न से विभूषित करने की घोषणा हो चुकी है। इस उपलक्ष्य में परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में कहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय इज रिमेम्बर्ड एज अ फेनोमेनल स्कॉलर एंड फ्रीडम फाइटर हु लिट द स्पार्क ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। इसी भावना को महामना जी के जीवन पर एक लघु फिल्म में संजोया पिरोया गया है जो आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। आधुनिक भारत में भारतीय शिक्षा नीति के जनक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा के द्वारा देश में कृषक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात करने वाले महानायक थे। युग के महानतम शिक्षाविद मालवीय जी ने सदियों की गुलामी और शोषण से जर्जर भारत की काया में पुनः नई चेतना एवं नई ऊर्जा का संचार कर उसे साहस, शौर्य एवं स्वाभिमान के साथ जीने योग्य बनाने में योगदान दिया। विद्यार्थियों, ईश्वर का ज्ञान चाहते हो तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुनो।
1861 को प्रयाग में एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार में मालवीया जी का जन्म हुआ। महामना का व्यक्तित्व बहुआयामी था। अध्यापन के बाद पत्रकारिता और फिर वकालत के पेशे के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता निरंतर रही। उन्होंने 1916 में ही नए उभरते भारत की नींव रखी और भारत के गौरव स्तंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। देश में पहली बार कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नवीन विषयों में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान का प्रबंध किया गया। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत यहीं से होती है और इसी कारण से मालवीया जी राष्ट्रगुरु महामना कहलाए। गांधी जी ने उनके बारे में कहा था, मेरे चरित्र में दाग हो सकते हैं मगर मदन मोहन मालवीया बेदाग हैं। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे। भारत युवा देश है, क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे? सभी को शिक्षा के समान और निष्पक्ष अधिकार के संकल्प से ही देश को सशक्त व सुदृढ़ बनाया जा सकता है। देश ने स्कूली और उच्च शिक्षा सबको उपलब्ध कराने की ओर काफी प्रगतिशील कदम उठाए हैं। पिछले कुछ समय में देश में लगभग 15 लाख स्कूल और लगभग 15,000 नए कॉलेज खोले गए हैं। देश के हर नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के अधिकतम विस्तार और कठिन प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें भारी संख्या में अध्यापक और अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होगी। साथ ही सूचना और संचार तकनीकी के इस्तेमाल द्वारा सृजनात्मकता का विकास और शिक्षा के श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना भी जरूरी है। हमारा मुख्य उद्देश्य अध्यापकों और अध्यापन से जुड़े सभी मामलों को विस्तार से संबोधित करना है। हम अत्यंत प्रसन्नता और गर्व के साथ शिक्षा और शिक्षकों के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन देश को समर्पित करते हैं। Mahamana Malviyaji would refer to the university as a nursery of good citizens. Thus it is befitting that the university grants commissions inter-university center for teachers' education with an initial allocation of about rupees 100 crores is being launched in Banaras Hindu University. May I humbly request the Honorable Prime Minister to kindly unveil the plaque of the UGC Inter-University Center for Teacher Education. The Inter-University Center is a part of the path-breaking Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching. It is for the first time that such an umbrella scheme, which comprehensively addresses all issues related to teachers, teaching, teacher preparation, professional development, and pedagogy, is being launched by the Government of India. The national mission will focus on all these goals in a holistic manner, and one of its specific aims is to train teachers for science, mathematics, languages, and for teaching differently abled children. This visionary national scheme is being launched today
फ्रॉम सर्व विद्या की राजधानी द कैपिटल ऑफ ऑल नॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. मे आई नाउ हम्बली रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर टू काइंडली लॉन्च द पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग. The Honorable Prime Minister's strong personal connect with the people of India at the ground level is complemented by his online presence. As a step towards his vision for a digitally empowered India, especially young India, I now humbly request Honorable Prime Minister, sir, to launch Campus Connect, the Wi-Fi of Banaras Hindu University by remote control. आज से बनारस में पंच दिवसीय संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, ललित कला एवं वृत्त चित्र उत्सव संस्कृति का प्रारंभ होने जा रहा है. यह संस्कृति मंत्रालय एवं उसकी स्वायत्त संस्थाओं द्वारा आयोजित है तथा सहयोगी संस्थाएं थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय पुरातत्व संरक्षण एवं ज्ञान प्रभा. परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि संस्कृति का उद्घाटन करें. बनारस में परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्यूजियम में आयोजित समारोह में जिस विजन की रूपरेखा खींची थी उसी को मूर्त रूप देने का प्रयास है मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से युक्ति. शिल्पकारों के उन्नयन एवं उनके सशक्तिकरण हेतु यह पहल भारतीय औद्योगिक संस्थानों के साथ की जा रही है. परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि अपने कर कमलों द्वारा युक्ति के अंतर्गत आयोजित बनारस काष्ठ खिलौना प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें. इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता हैं श्री नंदलाल शर्मा जी. द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्री राजा बाबू ने. तीसरे स्थान पर रहे हैं श्री सिंकू प्रजापति. चौथे स्थान पर श्री विजय कुमार जी. पांचवें स्थान पर रहे हैं श्री गणेश मौर्य जी. और युक्ति के अंतर्गत आयोजित काष्ठ खिलौना प्रतियोगिता में छठा स्थान प्राप्त किया है श्री प्रेम शंकर विश्वकर्मा जी ने. वी फील ब्लेस्ड बाय द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर अमंगस्ट अस टुडे हु हैज अराइव्ड एज अ रे ऑफ होप इन द लाइफ ऑफ अ बिलियन इंडियंस. आई विल नाउ हम्बली रिक्वेस्ट ऑनरेबल सर to address us, share his vision with us, and bless us.
मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, वहां तो व्यक्तित्व का संपूर्णतम विकास यही परिलक्षित होता है। और इसलिए इस धरती से जो आवाज उठी थी, इस धरती से जो संस्कार की गंगा बही थी, उसमें संस्कृति की शिक्षा तो थी, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था शिक्षा की संस्कृति। और आज कहीं ऐसा तो नहीं है, सदियों से संजोई हुई हमारी शैक्षिक परंपरा है जो एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित हुई है, वो शिक्षा की संस्कृति तो लुप्त नहीं हो रही है, वो भी तो कहीं प्रदूषित नहीं हो रही है। और तब जाकर के आवश्यकता है कि काल बाह्य चीजों को छोड़ करके उज्ज्वलतम भविष्य की ओर नजर रखते हुए, पुरानी धरोहर के अधिष्ठान को संजोते हुए, हम किस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित करें जो आने वाली सदियों तक मानव कल्याण के लिए काम आए। हम दुनिया के किसी भी महापुरुष का अगर जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो दो बातें बहुत स्वाभाविक रूप से उभर करके आती है। अगर कोई पूछे कि आपकी जीवन की सफलता के कारण, तो बहुत एक लोगों से एक बात आती है कि एक मेरी मां का योगदान, हर कोई कहता है, और दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा जिसने ये ना कहा हो कि मेरे शिक्षक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी जिंदगी को बनाने में। अगर ये हमें सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं तो हम ये बहुमूल्य हमारी जो धरोहर है इसके हम और अधिक तेजस्वी कैसे बनाएं, और अधिक प्राणवान कैसे बनाएं। और उसी में से विचार आया कि देश जिसके पास इतना बड़ा युवा सामर्थ्य है, युवा शक्ति है, आज पूरे विश्व को उत्तम से उत्तम शिक्षकों की बहुत बड़ी खोट है, कमी है। आप कितने ही धनी परिवार से मिलिए, कितने ही सुखी परिवार से मिलिए, उनको पूछिए किसी एक चीज की आपको आवश्यकता लगती है तो क्या लगती है। अरबों खरबों रुपयों का मालिक होगा, घर में हर प्रकार का सुख वैभव होगा, तो वो ये कहेगा कि मुझे अच्छा टीचर चाहिए मेरे बच्चों के लिए। आप अपने ड्राइवर से भी पूछिए कि आपकी क्या इच्छा है, तो ड्राइवर भी कहता है कि मेरे बच्चे की अच्छी शिक्षा ये मेरी कामना है। अच्छी शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरे में नहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक व्यवस्था है। अच्छी शिक्षा अच्छे शिक्षकों से जुड़ी हुई होती है। और इसलिए अच्छे शिक्षकों का निर्माण कैसे हो, हम एक नए तरीके से कैसे सोचें। आज ट्वेल्थ के बाद बीएड एमएड वगैरह होता है, फिर वो आते हैं, ज्यादातर बहुत पहले से ही जिसने तय किया है कि मुझे शिक्षक बनना है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर कुछ न कुछ बनने का ट्राई करते 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 आखिरकर यहां चल पड़ते हैं। मैं यहां के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हम एक माहौल बना सकते हैं कि दसवीं बारह की विद्यार्थी अवस्था में उसके मन में एक सपना हो, मैं एक उत्तम शिक्षक बनना चाहता हूं। ये कैसे बोया जाए, ये एनवायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। और ट्वेल्थ के बाद, पहले ग्रेजुएशन के बाद लॉ फैकल्टी में जाते थे और वकालत, धीरे धीरे बदलाव आया, ट्वेल्थ के बाद ही पांच साल के लिए लॉ फैकल्टी में जाते हैं और लॉयर बन के आते हैं। क्या टेन और ट्वेल्थ के बाद ही टीचर का एक पूर्ण समय का कोर्स शुरू हो सकता है?
और उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज तो मिले, और जब एक विद्यार्थी जिसे पता है कि मुझे टीचर बनना है तो क्लासरूम में वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ता नहीं है, वो अपने शिक्षक की हर बारीकी को देखता है और हर चीज में सोचता है मैं शिक्षक बनूंगा तो कैसे करूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, ये उसके दिमाग में रहता है। और इसलिए ये एक पूरा कल्चर बदलने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ भले वो विज्ञान का शिक्षक हो, गणित का शिक्षक हो, उसको हमारी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, उसे चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, उसको विद्यार्थियों को काउंसलिंग कैसे करना वो सीखना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को मित्रवत व्यवहार कैसे करना ये सिखाना चाहिए। और ये चीजें ट्रेनिंग से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब नहीं हो सकता है, सब कुछ ट्रेनिंग से हो सकता है। और अगर हम इस प्रकार के उत्तम शिक्षकों को तैयार करें, मुझे विश्वास है दुनिया को जितनी शिक्षकों की जरूरत है ना, हम पूरे विश्व में, भारत के पास इतना बड़ा युवा धन है, लाखों की तादाद में हम शिक्षक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मांग तो है ही है, हमें योग्यता के साथ लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। और एक व्यापारी जाता है बाहर तो डॉलर या पाउंड ले आता है, लेकिन एक शिक्षक जाता है तो पूरी पीढ़ी को अपने साथ ले आता है। हम कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हम वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं। और उसी एक सपने को साकार करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से इस मिशन को प्रारंभ किया गया है और आज उसका शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला। आज पूरे विश्व में भारत के हैंडीक्राफ्ट की तरफ लोगों का ध्यान है, आकर्षण है, लेकिन हमारी उस पुरानी पद्धतियों से बनी हुई चीजें, क्वांटम भी कम होता है, वेस्टेज भी बहुत होता है, समय भी बहुत जाता है, और उसके कारण एक दिन में अगर वो 5 खिलौने बनाता है तो पेट नहीं भरता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग से अगर 25 बनाता है तो उसका पेट भी भरता है, बाजार में जाता है। और इसलिए आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम परंपरागत जो हमारे खिलौने हैं उसको कैसे जोड़ा जाए, मैंने अभी एक छोटा सा प्रदर्शन उनके प्रयोग देखे, मैं देख रहा था कि और बहुत ही सामान्य प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी उपयोगिता है, वरना वो लंबे अरसे से वही करते रहते थे, उसके कारण उनकी प्रोडक्शन में क्वालिटी, प्रोडक्शन में क्वांटिटी, और उसके कारण वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने की संभावनाएं, और हमारे हैंडीक्राफ्ट में विश्व बाजार की संभावनाएं पड़ी है। आज हम अगर उनको ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, युक्ति जो अभियान है उसके माध्यम से हमारे इन कलाकारों को, काश्तकारों को, हमारे चारे विश्वकर्मा है ये, इन सभी विश्वकर्माओं के हाथ में हुनर देने की उनका प्रयास, उनके पास जो स्किल है उसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करने का प्रयास, उस टेक्नोलॉजी के लिए नई रिसर्च हो, उनको प्रोवाइड हो, उस दिशा में प्रयास, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बहुत होते रहते हैं, कई जगह पे होते हैं, बनारस में एक विशेष रूप से भी आरंभ किया है, हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने में इसकी बहुत बड़ी ताकत है। आप देखते होंगे दुनिया ने, हम ये तो गर्व करते थे कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें योग दिया, होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए योग का हमें विरासत मिली, और धीरे धीरे दुनिया को भी लगने लगा योग है क्या चीज, और दुनिया में लोग पहुंच गए, नाक पकड़ के डॉलर कमाने भी लग गए। लेकिन ये शास्त्र आज के संकटों के युग में जी रहे मानव को एक संतुलित जीवन जीने की ताकत कैसे मिले, योग बहुत बड़ा योगदान कर सकता है।
मैं सितंबर में यूएन में गया था और यूएन के मेरा पहला कार्यक्रम था। मैंने पहली बार वहां मंच पर भाषण करने का मुझे दायित्व था। मैंने उस दिन कहा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं और मैंने प्रस्तावित किया था 21 जून। सामान्य रूप से इस प्रकार के जब प्रस्ताव आते हैं तो उसको पारित होने में 1.5 साल 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं। अब तक ऐसे जितने प्रस्ताव आए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 150-160 देशों ने सहभागिता दिखाई है। जब योग का प्रस्ताव रखा, मुझे आज बड़े आनंद और गर्व के साथ कहना है और बनारस के प्रतिनिधि के नाते बनारस के नागरिकों को यह हिसाब देते हुए मुझे गर्व होता है कि 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस प्रकार के प्रस्ताव में 177 कंट्री का को स्पॉन्सर बनना यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है और जो काम 1.5-2 साल लगते हैं वो करीब करीब 100 दिन के अंदर पूरा हो गया और यूएन ने उसको घोषित कर दिया। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत है, हम दुनिया के सामने आत्मविश्वास से घात कैसे ले जाएं। हमारा गीत संगीत नृत्य नाट्य कला साहित्य कितनी बड़ी विरासत है। सूरज उगने से पहले कौन सा संगीत और सूरज उगने के बाद कौन सा संगीत, यहां तक कि बारीक रेखाएं बनाने वाला काम हमारे पूर्वजों ने किया है। और दुनिया में संगीत तो बहुत प्रकार के हैं लेकिन ज्यादातर संगीत तन को डुलाते हैं, बहुत कम संगीत हैं जो मन को डुलाते हैं। हम उस संगीत के धनी हैं जो मन को डुलाता है और मन को डुलाने वाले संगीत को विश्व के अंदर कैसे रखें, यही प्रयासों से वो आगे बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे मन में विचार है, क्या बनारस की कुछ स्कूल इसके लिए स्कूल हो कॉलेज हो आगे आ सकते हैं क्या? और बनारस के जीवन पर ही एक विषय पर एक स्कूल की मास्टरी हो, बनारस की विरासत पर। कोई एक स्कूल हो जिसकी तुलसी पर मास्टरी हो, कोई स्कूल हो जिसकी कबीर पर हो, ऐसी जो भी यहां की विरासत है उन सब से। और हर दिन शाम के समय 1 घंटा उसी स्कूल में एक नाट्य मंच पर डेली उसका कार्यक्रम हो और जो टूरिस्ट आए, जिसको कबीर के पास जाना है वो उस स्कूल में चला जाएगा बैठेगा घंटे पर, जिसको तुलसीदास के पास जाना है वो स्कूल में चला जाएगा वहां बैठेगा घंटे पर। धीरे धीरे स्कूल टिकट भी रख सकती है, पॉपुलर हो जाएगी, स्कूल की इनकम भी बढ़ सकती है। लेकिन काशी में आया हुआ टूरिस्ट वो आएगा हमारे पूर्वजों के प्रयासों के कारण, बाबा भोलेनाथ के कारण आएगा, मां गंगा के कारण आएगा, लेकिन रुकेगा हमारे प्रयासों के कारण। आने वाला है उसके लिए मुझे और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो जन्म से ही तय करके बैठा है कि एक बार तो बाबा के दरबार में जाना है। लेकिन वो रात यहां तब रुकेगा हम उसको रुकने के लिए मजबूर करें, ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करें। और एक बार अगर रात रुक गया तो यहां के 550 नौजवान को रोजगार मिलना ही मिलना है। वो 200-500 हजार रुपए खर्च करके जाएगा जो बनारस की इकोनॉमी को चलाएगा, और हर दिन अगर ऐसे हजारों लोग आते हैं रुकते हैं तो पूरी इकोनॉमी यहां की कितनी आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए ये चीजें छोटी छोटी चीजें काम आ सकती है। हमारे हर स्कूल में कैसा हो, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं परंपरागत जो हमारे पास ज्ञान विज्ञान है जो उसको तो प्रस्तुत करें, लेकिन समय के मांग उस प्रकार की स्पर्धाएं हो सकती है। मान लीजिए हम ऐसे नाट्य लेखक हो जो स्वच्छता पर ही बड़े टची नाट्य लेखन लिखे, अगर स्वच्छता के कारण गरीब को कितना फायदा होता है। आज गंदगी के कारण एवरेज एक गरीब को
7000 रुपया दवाई का खर्चा आता है, अगर हम स्वच्छता कर लें तो गरीब का 7000 रुपया बच जाता है। 3 लोगों का परिवार है तो 21000 रुपया बच जाता है। इस स्वच्छता का कार्यक्रम एक बहुत बड़ा अर्थकारण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और स्वच्छता ही है जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी आवश्यक होती है। क्या हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऐसे नाट्य मंचन, ऐसे काव्य, ऐसे गीत कवि सम्मेलन हो तो स्वच्छता पर क्यों ना हो? उसी प्रकार से बेटी बचाओ, भारत जैसा देश जहां नारी के गौरव की बहुत बड़ी गाथाएं हम सुनते हैं, इसी धरती की बेटी रानी लक्ष्मीबाई को हम बार बार याद करते हैं, लेकिन उसी देश में बेटी को मां के गर्भ में मार देते हैं। इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है। क्या हमारे नाट्य मंचन पर हमारे कलाकारों के माध्यम से लगातार बार बार हमारी कविताओं में, हमारे नाट्य में, हमारे संवाद में, हमारे निबंध लेखन में बेटी बचाओ इस अभियान घर घर पहुंचा सकते हैं? भारत जैसा देश जहां चींटी को भी अन्न खिलाना ये हमारी परंपरा रही है, गाय को भी खिलाना हमारी परंपरा रही है, उस देश में कुपोषण हो हमारी बालकों को, उस देश में सगर्भा माता कुपोषित हो, इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या हो सकती है? क्या हमारे नाट्य मंचन के द्वारा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से हम इन चीजों को प्रबोधन के लिए उपयोग में ला सकते हैं क्या? मैं कला और साहित्य से, जगत से, लोगों से आग्रह करूंगा कि हम इस नए रूप में देश को झकझोरने के लिए कुछ करें। जब आजादी का आंदोलन चला था तब यही तो साहित्यकार और कलाकार थे जिनकी कलम ने देश को खड़ा कर दिया था। स्वतंत्र भारत के अंदर सुशासन का मंत्र लेकर के चल रहे तब यही हमारे कला और साहित्य के लोगों की कलम के माध्यम से हम एक राष्ट्र में नवजागरण का माहौल बना सकते हैं। मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं। ये सांस्कृतिक सप्ताह यहां मनाया जा रहा है, उसके साथ यहां पर इसका भी चिंतन हो, मनन हो और देश के लिए इस प्रकार की स्पर्धाएं हो और देश के लिए इस प्रकार का काम हो। मुझे विश्वास है यही प्रयास है, सपने पूरे हो सकते हैं साथियों। देश दुनिया में नाम रोशन कर सकता है। मैं अनुभव से कहता हूं, 6 महीने के कम समय के मेरे अनुभव से कहता हूं, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। हम तैयार नहीं, हम तैयार नहीं। हमें अपने नाम करता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।